हेलो दोस्तों, अभी हम ऊपर आ चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जस्ट नीचे। पूरा कैंपस मैंने घूमा, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया, मतलब साफ़ सफाई इतना रखा है ना, लगता ही नहीं इंडिया में हम लोग। ऐसा ही स्टैंडर्ड हमें हर जगह इंडिया में अपनाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई चीज़ उतनी सुंदर ना भी हो ना, लेकिन वहाँ पे सफाई बहुत अच्छा हो तो घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। लगता है कि हाँ, हम यहाँ पे आके हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मज़ा आता है। मैं चाहता गवर्नमेंट ये ध्यान दे और हर जगह ऐसे ही साफ़ सफाई रखे। अभी यहाँ से मुझे 360 व्यू मिलेगा पूरा स्टैचू का, चारों तरफ का एरिया का पूरा व्यू मिलेगा, पूरा खुला है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा व्यू देखने के बाद 1 बजे का मेरा एकता टूर है, मतलब क्रूज़ है वहाँ से नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा डैम के ऊपर, तो वहाँ पे जाएंगे दोस्तों। वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू और भी क्लियर और भी अच्छा आएगा दोस्तों। तो चलिए पहले यहाँ का ये पूरा विज़िट करते हैं 360, उसके बाद हम चलते हैं क्रूज़ पे। दोस्तों अभी एकता क्रूज़ के लिए हमें यहाँ 10 नंबर से बस पकड़ना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस टिकट में ही इसका बस का भी प्राइस है। वहाँ पे 1 बजे का एंट्री है, बोला गया आधा घंटा पहले आने के लिए। अभी लगभग 12:15 बज रहे हैं, देखते बस कैसे मिलता है, उस हिसाब से फिर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से बस मिलेगा अपने को। दोस्तों चना खाते हैं, पावर लेते हैं, भूख लग गई थोड़ी, अभी चना खा लेता हूँ। अगर आपने क्रूज़ की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं किया तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन ही करो, सुविधा के लिए आसानी पड़ती है। अभी यहाँ पे मैंने एक भाई से बात किया, उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 1:20 तक यहाँ पे क्यू लगेगी, और यहाँ से मतलब 1 से 1 बजे से गाड़ी से ले जाना स्टार्ट हो जाएगा, और 1:20 को क्रूज़ वहाँ से सेल करना चालू करेगी दोस्तों। 40 मिनट लगते हैं यहाँ से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने में, 20 मिनट वहाँ पे होल्ड करेंगे और वापस 40 मिनट दोस्तों आने में लगेगा। मतलब मस्त मज़ा आ जाएगा इतने टाइम में, तो पूरा पानी के ऊपर घूमने में मज़ा आ भी जाओ। अगर कुछ भी होता है तो आप सबको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस क्रूज के क्रू मेंबर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वैसे भी लाइफ जैकेट आप सभी के लिए तैनात रखी है, जरूरत पड़ने पर उन लाइफ जैकेट का।
लेना चाहते हैं तो फटाफट दोस्तों वहाँ पर टेक पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू मिल रहा है, एकदम बेस्ट। अगर आप आते हैं स्टेचू यूनिटी तो क्रूज पे जरूर आएँ। यहाँ पे आने के बाद ही आपको सबसे बेस्ट व्यू देखने का मौका मिलेगा। सरदार सरोवर भी बहुत बड़ा है,
लगभग हमारी 40 मिनट की जर्नी थी वहाँ से यहाँ तक आने की, और आते वक्त हमें बहुत सारे अच्छे नज़ारे देखने का मौका मिला। दोस्तों आप भी अगर यहाँ आते हैं तो क्रूज़ पे जरूर आएं। सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार है लोह। दोस्तों क्रूज यहाँ से वापस स्टार्ट हो चुका है, ये वापस अपनी जगह पे जा रहा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ का व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमने 20 मिनट का हॉल्ट लिया था यहाँ पे, तो वापस जा रहे हैं। कुछ लोग यहीं पे उतर गए, कुछ वापस जा रहे हैं हमारे साथ। मैंने भी वापस जाना ही सही समझा, क्योंकि वापस से मुझे सारा व्यू देखने मिलेगा, फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं रिटर्न आ जाऊँगा। दोस्तों व्यू देखिए आप, सरदार पटेल सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है। देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। माँ नर्मदा के तट से हाँ अभी और इसी पल से एकता का संदेशा हम सबको हाँ हर दिल तक पहुँचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में कहेंगे भारत माता की जय। सबसे ऊंचा, सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर पानी देख के मुझे तो कूदने का मन करता है, लग रहा है कपड़े निकालूं कूद जाऊं। लेकिन दोस्तों ये और नदियों की तरह नहीं है, यहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। कपड़े निकाल कर कूदूंगा मैं भी, कूद जाऊंगा मैं भी गायब हो जाऊंगा बिल्कुल, समझ रहे दोस्तों। मैंने एक मगर देखा भी था, लेकिन मैं तब तक वीडियो बना था तब तक बोट आगे निकल चुकी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ पे एक मगर मैंने देखा, जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया था कि देखो मगर तो हमने यहाँ पे देखा था, मगरमच्छ ठीक था, अच्छा था, मज़ा आया देख के, कुछ अलग देखा यहाँ पे आके, मज़ा आ गया। तो आज का दिन सफल हो गया, ऐसी 26 जनवरी मेरी आज तक कभी नहीं गई थी, ये बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा आज का। देखो दोस्तों यहाँ पे एकता नर्सरी है और यहाँ पे नर्मदा आरती होती है, इसके लिए नर्मदा आरती के लिए आपको अलग से देना होता है और एकता नर्सरी के लिए आपको टिकट देना होता है। मैं ये दोनों जगह पे तो नहीं जा रहा हूँ आज, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहेगा मेरे पास। ये पॉइंट्स भी अगर इनके आप वेबसाइट पे जाते हैं टिकट लेने के लिए तो वहाँ पे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से बुक कर सकते हैं। क्रूज़ का तो पैसा वसूल है, मतलब ज़बरदस्त, एकदम एक नंबर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो क्रूज़ में ज़रूर आइए। देखिए ड्राइवर साहब यहाँ से दोस्तों मेरा तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। लेकिन अब हम पहुँच चुके हैं, उतरना तो पड़ेगा ही, चलिए चलते हैं, उतरते हैं।